हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि एडवर्ब्स है। तो एडवर्ब्स आज हम पढ़ने वाले। एडवर्ब्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, एडवर्ब्स क्या होता है? ये करता है ऐड, क्या करता है? ऐड करता है क्वालिटी। सबसे पहले एडवर्ब है तो अगर हम इसके दो टुकड़े करें, ये ऐड करता है, और ऐड करता है क्या चीज? क्वालिटी। किसमें? इन वो सबसे पहला जो इसको आप पढ़ोगे वो इस तरीके से पढ़ोगे कि ये क्वालिटी ऐड करता है वर्ब में। ठीक है, क्वालिटी ऐड करता है वर्ब में, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड स्पीक्स सॉफ्टली। ठीक है, आपको सिर्फ ट्राई करना है एडवर्ब ढूंढने का। माई फ्रेंड स्पीक्स सॉफ्टली, यू राइट स्लोली, वी इम्प्रूव, वी इम्प्रूव वेल। यहां पर वेल लिखा है मैंने। ठीक है, आप देखिए यहां पर लिखा है माई फ्रेंड, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये स्पीक्स है वर्ब, मेरा फ्रेंड बोलता है। कैसे बोलता है? सॉफ्टली। कैसे बोलता है? सॉफ्टली। कैसे बोलता है? सॉफ्टली। तो ये हमें पता चल रहा है कि वर्ब काम कैसे कर रहा है। वर्ब कैसे काम कर रहा है? सॉफ्टली काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? सॉफ्टली। तो वर्ब में क्वालिटी ऐड करने का काम कौन करता है? एडवर्ब। कौन करता है? एडवर्ब। यू राइट, आप लिखते हो। आप लिखते हो कैसे? स्लोली, बड़ा धीरे लिखते हो आप। कैसे लिखते हो? धीरे लिखते हो। कैसे लिखते हो? धीरे। तो ये धीरे है, वर्ब में क्वालिटी ऐड कर रहा है, ये एडवर्ब हो गया। इसी तरीके से वी इम्प्रूव, हम इम्प्रूव होते हैं। कैसे? अच्छे से। कैसे? अच्छे से। तो ये हमारा यहाँ पर एडवर्ब है, ये यहाँ पर वर्ब है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब में सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब एस वी ए स्ट्रक्चर बन गया आपका सेंटेंस का। तो पहली चीज तो ये हो गई कि एडवर्ब ऐड करता है क्वालिटी में, सिर्फ वर्ब में। पर क्या इतना ही है? नहीं, ये ऐड करता है क्वालिटी वर्ब में, इवन एडजेक्टिव्स में भी, और कहाँ करता है? खुद एडवर्ब में भी करता है। पहले हम इतना पढ़ लेते हैं, फिर और भी कहीं करता है, वो भी हम आगे देखेंगे कहाँ करता है। आइए, फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ गुड एम्प्लॉय, एक सेकेंड गाइस। यू आर अ गुड एम्प्लॉय, ये लिखना था यहां पर। ठीक है, यू आर अ गुड एम्प्लॉय। अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये कैसे टूटेगा? यू सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, अ गुड एम्प्लॉय, आप क्या हो? गुड एम्प्लॉय हो। क्या हो? गुड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय आपका नाउन है। अब कैसा एम्प्लॉय है? गुड एम्प्लॉय है, ये इसका एडजेक्टिव है। यहां तक तो सब ठीक है। अब मेरा मन करता है कि मैं यहां पर वेरी लिख दू। मैं यहां पर वेरी लिख दू, ये वेरी जो अभी अभी आपके सामने आया है, मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां पर वेरी लिख दू। अभी जो वेरी है ना, ये किसके लिए आया है? अगर आपको ये कंफर्म करना है कि किसके लिए, वैसे तो ये वेरी गुड, गुड के लिए आया ना, गुड के साथ में वेरी आता, पर अभी आप मानो मत, रटो मत, आप कंफर्म करो। कैसे मानोगे? आप इस गुड को हटा के एक बार के लिए, सिर्फ सुनना, लिखना मत अपने इसमें, सिर्फ एक बार के लिए मान लो कि यहां पर ये गुड नहीं है। ठीक है, तो यू आर अ वेरी एम्प्लॉय, यू आर अ वेरी एम्प्लॉय, क्या ये कोई सेंस देगा? नहीं देगा। इट मीन्स ये एम्प्लॉय के लिए नहीं आया है। ठीक है, नहीं आया, तो अब ये किसके लिए है? इस जिसके पहले आता उसी की तारीफ करता है कोई भी वर्ड, तो ये एडवर्ब है। और किसके लिए आया है? किसके लिए आया है?
एडजेक्टिव के लिए. किसके लिए आया? एडजेक्टिव के लिए. ठीक है, हाँ जी. अब देखो, it was a much awaited moment. ये एक बहुत ज्यादा वेट किया गया मोमेंट था, मच अवेटेड मोमेंट था. अब आप इसको तोड़ो, मच अवेटेड मोमेंट था, इसको आप तोड़ोगे तो आप इसको फिर से वही, इट सब्जेक्ट वॉज वर्ब आर्टिकल मच अवेटेड मोमेंट. मोमेंट नाउन है, नाउन के लिए नाउन के जस्ट पहले आया अवेटेड, वेट किया गया, काफी समय से वेट किया गया, ये है एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव के लिए कितना अवेटेड? बहुत ज्यादा अवेटेड. तो ये है एडवर्ब. तो एडवर्ब क्या होता है? क्वालिटी बताता है वर्ब की, एडजेक्टिव की. इवन एडवर्ब भी लिख दिया मैंने यहाँ पर. तो ये एडवर्ब की क्वालिटी कैसे बताता है इसको हम देखते हैं अब. आई राइट स्लोली, अभी लिखा था. आई राइट स्लोली, अब यहां पर मैं एक वर्ड ऐड कर रही हूँ वेरी. तो आई राइट, मैं लिखती हूँ, कैसे लिखती हूँ? धीरे. कैसे लिखती हूँ? धीरे लिखती हूँ. कितना धीरे? कितना धीरे लिखती हूँ? वेरी धीरे. कितना धीरे? वेरी धीरे, बहुत धीरे. तो ये भी हमारा एडवर्ब है. अब ये किसके लिए आ रहा है? ये एडवर्ब वन कर दो जो वर्ब के लिए आ रहा है, ये एडवर्ब टू कर दो जो खुद एडवर्ब के लिए आ रहा है. तो एडवर्ब जो होता है वो खुद एडवर्ब की भी तारीफ कर देता है. ठीक है, वेरी सीरियसली आई वॉन्ट यू टू स्टडी, मैं चाहती हूँ तुम पढ़ो. सीरियसली पढ़ो. कितना सीरियसली? वेरी सीरियसली. कितना सीरियसली? वेरी सीरियसली. तो सीरियसली क्या है? एडवर्ब. और इसके लिए क्या रहा है? एक और एडवर्ब. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू स्टडी वेरी सीरियसली. अब ये आ गया एक एडवर्ब, ये दूसरा एडवर्ब. तो एडवर्ब इस तरीके से खुद एडवर्ब की भी तारीफ कर देता है. अब आप ना इसमें ये कर सकते हो, अगर कंफ्यूज होते हो, वैसे होगे नहीं, आई राइट स्लोली तो जो वर्ब के लिए आ रहा है उसको एडवर्ब वन बोल दो, जो खुद एडवर्ब के लिए आ रहा है उसको एडवर्ब टू बोल दो. ये एडवर्ब टू होता है, ये एडवर्ब वन होता है. जरूरी नहीं ये करना, ये अपनी तरफ से, ठीक है, ताकि आप पहचान लो. ओके, कई बार एडवर्ब ना इसके अलावा पूरे के पूरे सेंटेंस के लिए भी आता है. फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स, कभी कभी. समटाइम्स आई मिस ओल्ड डेज. समटाइम्स आई मिस ओल्ड डेज, कभी कभी मैं पुराने दिनों को मिस करती हूँ. ठीक है, कभी कभी मैं पुराने दिनों को मिस करती हूँ. तो ये जो कभी कभी है ये किसके लिए आ रहा है? ये कभी कभी आई के लिए आ रहा है या मिस के लिए आ रहा है या ओल्ड डेज के लिए आ रहा है? किसके लिए आ रहा है? सबके लिए आ रहा है, इस पूरी पूरी लाइन के लिए आ रहा है. कभी कभी मैं क्या करती हूँ? कभी कभी मैं पुराने दिनों को मिस करती हूँ. तो कभी कभी किसी एक वर्ड के लिए नहीं आ रहा है, पूरे सेंटेंस के लिए आ रहा है. तो यहाँ पर जो एडवर्ब है वो क्या कर रहा है? एडवर्ब क्या कर रहा है? पूरे सेंटेंस को एम्फेसिस कर रहा है. पूरे सेंटेंस के लिए इसके लिए आ रहा है, पूरे सेंटेंस के लिए. इस तरीके से जनरली आई वेयर जीन्स. जनरली मैं क्या पहनती हूँ? जीन्स पहनती हूँ. जनरली आई वेयर जीन्स. ठीक है, इस तरीके से. हाँ, मच एडवर्ब. ठीक है, कोई इसमें डाउट है तो पूछिए यहां तक. ठीक है, अब एडवर्ब जो हमारा होता है इसको कैसे पहचानते हैं? जनरली एडवर्ब जो होता है उसको ऐसे पहचाना जाता है. एडवर्ब क्या होता है मैंने आपको फाउंडेशन क्लासेस में बताया हुआ है. एडवर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? इज इक्वल्स टू खबरी. क्या बोलते हैं? खबरी बोलते हैं. क्यों? सारी खबर लाके हमें देता है ना, कोई भी काम कब कैसे कहां कितना क्यों
कितनी बार, कोई भी काम कैसे, क्यों, कब, कहां, कितनी बार हो रहा है, ये हमें कौन बताता है? कॉलोनी में वो आंटी जो जिनका काम क्या होता है, पूरी समय हर समय नजर रखना सब पे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके साथ आ रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्या पहन के जा रही है, क्या पहन के आ रही है, किस समय आ रही है, कितनी बार आ रही है, कितनी बार जा रही है, राइट? ये सारी खबर रखते हैं वो खबरी आंटी जिनके पास सारी नॉलेज होती है। यही काम पूरे ग्रामर में कौन करता है? एडवर्ब करता है। कौन करता है? एडवर्ब करता है। और ये एडवर्ब हाउ, सॉरी हाउ, हाउ नहीं, कब, कब मतलब When, कैसे, हाउ, कहाँ, वेयर, कितना, हाउ, क्यों, वाई, मैंने सिर्फ इंग्लिश नेम लिखे, कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स, ठीक है, ठीक है, ये पता क्या है, ये सब एडवर्ब के पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वाले को हम कहते हैं एडवर्ब। अब ये क्या बता रहा है, कब, समय बता रहा है, ऑफ टाइम, क्या बता रहा है, समय बता रहा है, ये बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका, तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। पूरा लिखना आप, एडवर्ब ऑफ मैनर, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। हाँ जी, एडवर्ब खबरी लाले तो खबर बता रहा है, एडवर्ब ये क्या बता रहा है, प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ होता है एक्शन, कहाँ होता है एडवर्ब, कैसे होता है एक्शन, कितनी बार होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ, अरे फ्रीक्वेंसी तो ये हो गया ना, सॉरी मैंने यहाँ पर डिग्री लिखना था, हाउ मच, कितनी बार लिखा हुआ है ना, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री, और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा, अब आप इसको चार्ट बना लो, तो आपका यही बहुत अच्छे से अभी तैयार हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग करने के वाले हैं, क्यों चार्ट बना रहे हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कौन कौन से, कब, तो नाउ, सून, टुडे, ये सब वर्ड्स हैं, आप जितना लिख सकते हो ऐड कर लो, टुनाइट, यस्टरडे, टुमारो, ठीक है, ऐसे करके, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नून, एट नाइट, ऐसे करके एक्सेट्रा लिखूंगी, क्योंकि सारी लिमिट नहीं है, ठीक है, कैसे, कैसे करते हैं काम, स्लोली, ठीक है, या फिर स्पीडीली, जल्दी से, क्लियरली, ही टॉक्स हार्शली, रूड तरीके से, हार्शली, ठीक है, रूडली, लविंगली, ये सब एल वाई लग के, मैनर कैसे तैयार होता है, एल वाई लग के, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है वो मैं बता दूंगी, समटाइम्स था तो एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ, समटाइम्स ना लाउडली आ जाएगा, समटाइम्स एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी होगा फिर ना, कितनी बार, कभी कभी, है ना, समटाइम्स, वेयर, कहाँ पूछ रहा है, कहाँ, हियर, देयर, इन द रूम, इन मार्केट, है ना, या टू मार्केट, प्रेपोजिशन भी साथ में हो लेता है, टू दिल्ली, टू बॉम्बे, हाउस, ये सब, स्कूल, हाउस, ये सब भी हो सकता है, कहाँ गया, स्कूल में, कहाँ गया, घर पे, ठीक है, तो ये सब भी इसका हो सकता है। उसके बाद हाउ मच, डिग्री, कितना, वेरी, ठीक है, टू, सो मच, मैनी,
एज लॉन्ग एज जब तक होता है वैसे एज लॉन्ग एज तो मच होता है एज फार एज जहां तक मुझे पता है इस तरीके के कुछ फ्रेज ये आगे मैं करवाऊंगी. रीजन फॉर स्टडी ये हमेशा फ्रेज में होगा. फॉर शॉपिंग बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण. बिकॉज ऑफ रेन बारिश के कारण. बिकॉज ऑफ धूप धूप के कारण. बिकॉज ऑफ इलनेस बीमारी के कारण. ऐसे करके फ्रेजेस भी बन जाते हैं. तो जरूरी नहीं एक ही वर्ड आएगा, अलग अलग तरीके से. ठीक है, कितनी बार? वंस ट्वाइस ऑफन नेवर कभी नहीं ऑफन अक्सर ऑलवेज हमेशा एवर हमेशा समटाइम्स जनरली रेगुलरली ग्रेजुअली नहीं नॉट ग्रेजुअली यूजुअली एवरीडे डेली ये सब भी कॉमनली ये सब इसी में आता है. जो चीज बार बार रिपीट हो रही है ना जैसे रेगुलर बेसिस पे हो रही है तो रेगुलरली है ना डेली हो रही है. रिसेंटली नहीं अभी हाल ही में. रिसेंटली नहीं रिसेंटली कहाँ यूज होता है परफेक्ट टेंस में. ठीक है यहाँ तक कोई डाउट? आई बिलीव ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं. कहाँ पर? हमारे बेसिक फाउंडेशन क्लासेस में. इसमें रियली भी लिखो रियली क्वाइट ये नोट कर लो क्योंकि ये भूल जाते हो आप लोग. क्वाइट ठीक है ट्रूली ठीक है. अभी चार देखो खबरी है जो हमें खबर बताता. तो ये सब टाइप्स है. अब हम इसको क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. हाँ टाइप्स ऑफ खबरी. ठीक है अब यही नहीं है कुछ थोड़े और भी होते हैं. कुछ थोड़े और भी होते हैं जैसे एक होता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन. एडवर्ब ऑफ नेगेशन माने नेगेशन माने क्या होता है बेटा जी? निगेट यानी नेगेटिव एडवर्ब्स इनको कह सकते हैं. क्या होता है हार्डली सुना है सेंटेंस की शुरुआत में हार्डली रेयरली बेयरली स्केर्सली सेल्डम. हार्डली रेयरली बेयरली स्केर्सली सेल्डम फ्यू लिटिल और नॉट ये सब एडवर्ब ऑफ निगेशन होते हैं. जहां जहां पर जब इन सबका मीनिंग ना होता है. इन सबका मीनिंग क्या होता है? ना होता है ना होता है. ठीक है हाँ सारे नेगेटिव वर्ड इसमें इवन आप नीदर भी डाल सकते हो. नीदर नॉट ओनली आता है शुरुआत में तो वो एज एन एडवर्ब काम करता है क्योंकि इन्वर्जन लेता है. इसी तरीके से नेवर ये मैंने फ्रीक्वेंसी में भी लिखाया पर यहाँ भी लिखा रही हूँ क्योंकि ये इन्वर्जन लेता है. तो ये हो गया एडवर्ब राइट बिगिनिंग में सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं ये सारे. बीच में भी आ सकते वैसे पर बिगिनिंग में आ रहे हैं. अगर सेंटेंस में अगर बिगिनिंग में आ गए तो क्या लेते हैं? इन्वर्जन लेते हैं. इन्वर्जन आता है सबको? क्या होता है इन्वर्जन? जैसे हार्डली डिड आई स्टार्ट ये आता है. तो डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ये इन्वर्जन होता है. नेगेटिव एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब.
ठीक है, ये इन्वर्जन होता है। इसी तरीके से एक और एडवर्ब होता है, उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ एम्फसिस, ठीक है। क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ एम्फसिस कहते हैं, एडवर्ब ऑफ एम्फसिस। एडवर्ब ऑफ एम्फसिस क्या होते हैं? दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है ओनली और एक होता है टू, ठीक है। जिसके बाद में आएगा उसकी तारीफ करेगा, या फिर जिसके पहले आएगा उसकी तारीफ करेगा। इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे इसको। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो करनी है। इस पेज में कोई डाउट है? ये वाला जिसमें हमने सिर्फ बात करी एडवर्ब कौन कौन से होते हैं। अब देखो इसी पेज में अगर हम बात करें, ये देखो एल वाई लग के एडवर्ब बनते हैं, स्लोली स्पीडली, है ना, ये सब। पर क्या हमेशा एल वाई लग के एडवर्ब होता है? ये चीज देखनी है, तो ये चीज हम लोग देखेंगे आगे, ये चीज आगे देखेंगे, ठीक है। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? देखो कैसे देखेंगे, ये हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब कैसे बनता है? एल वाई एडजेक्टिव प्लस एल वाई इज इक्वल्स टू एडवर्ब, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्लो एल वाई स्लोली, ये बन गया एडवर्ब, राइट। क्यूट कैसा पर्सन? क्यूट एल वाई क्यूटली, ठीक है। जेनरस काइंड होता है, जेनरस एल वाई जेनरसली, ठीक है। इस तरीके से एडवर्ब बनता जाएगा। बट फ्रेंड प्लस एल वाई फ्रेंडली, ठीक है। और इसी तरीके से माइजर, यानी कंजूस होता है माइजर, प्लस एल वाई माइजरली, ठीक है। निगर्ड यानी भी कंजूस होता है, प्लस एल वाई निगर्डली, ये भी क्या हो जाएगा? कंजूस। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या नोट करना है? ये है नाउन प्लस एल वाई इज इक्वल्स टू एडजेक्टिव, ये ध्यान रखना है। एडजेक्टिव में एल वाई अगर आप ऐड करते हो तो वो एडवर्ब बनता है, नाउन में एल वाई अगर आप ऐड करते हो तो वो एडजेक्टिव बनता है, ठीक है। इसे ऐसे कह दिया जाता है, ही इज फ्रेंडली, ही इज फ्रेंडली, वो फ्रेंडली है। कैसा है? फ्रेंडली है, सही है। कैसा है? फ्रेंडली है, सही है। तो ये सही है क्योंकि एडजेक्टिव है, राइट। फ्रेंडली मैनर। अच्छा एक वर्ड सुनो, एफ ए एस टी प्लस एल प्लस वाई, अब ये क्या बनेगा? फास्टली, फास्टली क्या बनेगा? फास्ट में अगर आप एल वाई जोड़ दो तो बनता है फास्टली, क्या बनेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ही रन्स फास्ट, ही इज अ फास्ट लर्नर, वो एक फास्ट लर्नर है और वो फास्ट भागता है। देखो दोनों सेंटेंस देखो, यहां पर ये सब्जेक्ट ये वो भागता है भागता है भागता है भागता है, कैसे भागता है? फास्ट। कैसे भागता है? फास्ट, तेज। तो ये है एडवर्ब, ठीक है। ही इज अ फास्ट लर्नर, वो क्या है? फास्ट लर्नर है। तो ये नाउन है, नाउन की तारीफ करने के लिए कौन आता है? एडजेक्टिव। कौन आता है? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ एडजेक्टिव भी फास्ट है, यहाँ एडवर्ब भी फास्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि फास्ट जो होता है ये
डिपेंड करता है सेंटेंस पे, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, पर फास्टली जैसा कोई शब्द नहीं होता है, कोई डिक्शनरी में नहीं मिलेगा फास्टली, क्योंकि फास्टली नहीं होता है. ठीक है, ठीक है, तो फास्टली नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है. अगर आपने कहीं पे भी फास्टली यूज करा है, ही ईट्स फास्टली, आई राइट फास्टली, तो वो हमेशा गलत सेंटेंस ही होगा. फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है. फास्टली एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों में सेम होता है. अच्छा, आप देखिए, एक वर्ड होता है हार्ड और एक होता है हार्डली. हालांकि हम लोग बाद में करने वाले थे, पर क्योंकि मिलता जुलता है इसलिए यहाँ पे ही करवा रही हूँ. आई वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, शी वर्क्स हार्ड. ठीक है, तो हार्ड वर्क करते हैं हम. कैसे करते हैं? कठिन परिश्रम. हम वर्क करते हैं कैसा? हार्ड, कठिन. ठीक है, और हार्डली यानी ना के बराबर. ये दोनों अलग अलग मीनिंग है. ही वर्क्स हार्डली, है ना, तो वो ना के बराबर काम करता है. ही हार्डली वर्क्स. इसको मैं अगले से पेज पे बताती हूँ आपको. पिछले पेज पे स्पेस है ना, यहाँ पे कर लेते हैं. चलो, ही वर्क्स हार्ड, एक सेंटेंस ये है और एक है ही हार्डली वर्क्स. देखो जरा क्या मीनिंग है. फास्ट जैसे और कोई वर्ड होता है, जैसे हार्ड हार्डली होता है ना बेटा, हार्ड हार्डली होता है, तो वो अलग ही सेंस देता है फिर, है ना. ऐसा फास्ट जैसा और कोई नहीं होता है, और इसीलिए इस फास्टली पे क्वेश्चन आता है. एग्जामिनर आपको फंसाएगा क्वेश्चन में, क्योंकि उसको पता है आप नहीं करके गए वही वाली चीज. ही हमारा सब्जेक्ट है दोनों में. ही वर्क्स, वो काम करता है कैसे? हार्ड. ठीक है, ये हो गया एडवर्ब यानी इसका सेंस क्या हो गया? वो कठिन काम करता है या मेहनत करता है. वर्क हार्ड यानी मेहनत भी हो जाता है, तो मेहनत, वो कठिन काम करता है. ठीक है, और यहां पर ही हार्डली वर्क्स, तो ये सब्जेक्ट, ये एडवर्ब और ये मेन वर्ब. वो ना के बराबर काम करता है. ठीक है, हार्डली इन्वर्जन लेगा जब शुरुआत में आएगा, बीच में नहीं लेगा इन्वर्जन ना. शुरू में आएगा तो इन्वर्जन लेगा, बीच में आएगा तो इन्वर्जन नहीं लेगा. ये डिफरेंस है. तो ही हार्डली वर्क्स, ही वर्क्स हार्ड. देखिए, कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट है यहां तक? पूछिए, है तो. अच्छा, मैंने आपको अभी अभी कुछ पढ़ाया था. ये एक ये है और एक ये है, एडवर्ब ऑफ एम्फसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है. देखो, इनको कर लेते फटाफट से. दो वर्ड्स हैं, दो आपको यूं आ जाएंगे चुटकी में, लेकिन आपको बैठना होगा सामने, है ना. बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, TWO, I love you too. कितनी बार आपने इसको यूज किया होगा सेंटेंस में, कहीं ना कहीं बोला होगा, कहीं ना कहीं किसी के ना किसी के सामने. I love you too, सुना है? सुना तो डेफिनेटली है, और सेंस भी डेफिनेटली. टू क्या होता है पहले तो इसको समझो. टू यानी होता है भी. टू यानी क्या होता है? भी. टू यानी क्या होता है? भी. राइट, टू यानी होता है भी. अब ये क्या करता है? ये एम्फसिस है,
एम्फोसाइज वाला है, एम्फोसाइज करने का काम करता है, जिसके बाद आएगा उसको एम्फोसाइज करेगा, मैं प्यार करती हूँ, आई लव हो गया, मैं प्यार करती हूँ किससे, तुमसे भी। सेंस क्या है, आई लव यू टू का सेंस क्या है, कोई कहता है आई लव यू तो आप झट से कह देते हो आई लव यू टू, अगर आप नहीं कहते हो तो आपने कहीं सुना होगा कोई झट से कह देता है आई लव यू टू, इसका मतलब क्या, मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ। अब जैसे ही भी आया दिमाग की बत्ती जली, कहना क्या चाहता है बंदा, मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, तुम बोला और कितनों से प्यार करते हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, गॉट इट। तो आई लव यू का आंसर आई लव यू टू कभी नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए इसको जानने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो यहाँ पर इसके पास लिखा हुआ है, देखो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट, यहां पर ये ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा हुआ है, अब हम लगाते हैं इसको वर्ब के बाद में, आई लव टू, ठीक है, आई लव टू यू, अब ये क्या हो जाएगा, ये कोई सेंस नहीं हुआ, क्यों क्यों होगा, क्योंकि टू जो होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को ही एम्फसाइज करता है, ठीक है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। अब आते हैं, आई टू लव यू, आई टू लव यू, इसमें ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद दिखाई दे रहा है, आई टू लव यू, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तो अब रिप्लाई क्या होगा, आई टू लव यू, ठीक है, आई टू लव यू, ये होता है टू सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद एम्फोसिस के लिए आता है, वर्ब के बाद में नहीं आता है, एम्फोसाइज के लिए वर्ब के बाद में नेगेटिव सेंस देता है, बाद में पढ़ाऊंगी, नेगेटिव एडवर्ब में आता है, ठीक है, ये हमेशा एम्फोसिस का यूज होता है। अब हम आते हैं दूसरे वाले एम्फेसिस पे, दूसरा वाला क्या था, ओनली यानी सिर्फ, ही गेव मी, उसने मुझे दिया क्या, ओनली 5 रुपीज, ठीक है, ही गेव मी ओनली 5 रुपीज, He gave only me 5 rupees। थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसको हम अगर सीधा कर लेते सेंटेंस को, एक काम करते हैं इसको चेंज करते हैं, He gave 5 rupees, ठीक है, इसको तोड़ना भी, टू मी क्या होता है, गिव हमारा दो दो ऑब्जेक्ट ले सकता है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया एक ऑब्जेक्ट और ये हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट, टू लग के बनता है, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करोगे, इसको तोड़ोगे कैसे, ऐसे, He gave 5 rupees only to me. He gave 5 rupees only to me. ठीक है, सेम सेंटेंस हम आगे कर रहे हैं. He gave only 5 rupees. सिर्फ एक एक पार्ट को मैंने हटाया, देखो to me. यहां पर जो only है, यहां पर only है, ये इस पार्ट के पहले था, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, चार पार्ट है, बार बार पार्ट चेंज होते जा रहा है,
बार बार पार्ट चेंज होते जा रहा है, ठीक है? टू मच नहीं, अभी लास्ट में करेंगे, टू मच, मच टू, ओनली टू, वेरी टू, ये सब बाद में करेंगे। आगे, ही ओनली, अब सेकेंड के बारी आ गई, गेव, अब फाइव रुपीस, ये थर्ड पार्ट है, फिर हमने फोर्थ पार्ट लिख दिया, टू मी, ठीक है? यहाँ ये पार्ट वन, टू के पहले, और लास्ट वाला ओनली ही गेव फाइव रुपीस टू मी, ठीक है? अब देखिए, उसने दिया पांच रुपए सिर्फ मुझे, पहले वाले में क्या बोल रहा है, उसने सिर्फ मुझे पांच रुपए दिए, पहला वाला सेंटेंस, उसने सिर्फ मुझे पांच रुपए दिए, सेंटेंस वन। सेंटेंस टू क्या बोल रहा है, उसने दिए सिर्फ पांच रुपए मुझे, उसने, ऊपर वाले में क्या था, सिर्फ मुझे दिए पांच रुपए, दूसरे वाले में क्या है, उसने मुझे सिर्फ पांच रुपए दिए, मैंने बाकियों को ज्यादा दिए होंगे, ऊपर वाले में क्या, उसने उसने सिर्फ मुझे पांच रुपए दिए, यानी उसने किसी को कुछ नहीं दिया, सिर्फ मुझे पांच रुपए दिए, दूसरे वाले सेंटेंस में मुझे सिर्फ पांच रुपए दिए, बाकियों को पचास, सौ, दो हजार, पांच हजार कुछ भी दिया हो, मुझे क्या दिया, सिर्फ पांच रुपए, सिर्फ पांच रुपए, दूसरे सेंटेंस में ये बोला जा रहा है। तीसरे में क्या बोला जा रहा है, सिर्फ पांच रुपए यहां पर बोला जा रहा है, इसमें सिर्फ मुझे, तीसरा सेंटेंस, he only gave five rupees to me, उसने सिर्फ दिए, वो कुछ, वो आया सिर्फ पांच रुपए दिए मुझे और कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ दिए मुझे पांच रुपए और कुछ नहीं कहा, वो आया उसने मुझे सिर्फ दिए पांच रुपए और कुछ नहीं कहा, तो यहां पर क्या हो गया, सिर्फ दिए, और लास्ट वाला only he gave me five rupees, सिर्फ उसने ही मुझे पांच रुपए दिए, सिर्फ उसने ही मुझे पांच रुपए दिए, और किसी ने तो कुछ वो भी नहीं दिया, सिर्फ उसने ही मुझे पांच रुपए दिए। तो इसका क्या मतलब है, ओनली जिसके पहले भी बैठा उसी को ही उसने एम्फसाइज कर दिया, ही गेव फाइव रुपीज ओनली टू मी, ठीक है? He gave five rupees only to me. उसने पांच रुपए दिए सिर्फ मुझे, उसने पांच रुपए दिए सिर्फ मुझे, उसने दिए सिर्फ पांच रुपए, उसने मुझे सिर्फ पांच रुपए दिए, ऊपर उसने सिर्फ मुझे दिए पांच रुपए, ठीक है? ये डिफरेंस है, उसने सिर्फ मुझे दिए पांच रुपए, उसने सिर्फ पांच रुपए दिए मुझे, तो यहाँ उसने सिर्फ दिए पांच रुपए, कुछ कहा नहीं, इमोशनल तो है ही नहीं, सिर्फ पांच रुपए दिए निकल लिया, ये बोल रहे, सिर्फ मुझे पांच रुपए दिए, सिर्फ मुझे, कितनी वेटेज है यहाँ पर मेरी, डिफरेंस समझ में आया, समझ में आया? अब देखो यही चीज, अगले वाले में क्या होगा, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं यहां पर, ये आई लव यू लिखा था हमने अभी, आई लव यू, ठीक है? अब इसको तोड़ते हैं, एक हो सकता है ओनली आई लव यू, सेंस आप जान ही जाओगे, ओनली आई लव यू, दूसरा आई लव Only you, अच्छा ये तो तीसरा हो गया ना, दूसरा I only love you, अब देख
ये है आई लव यू, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों जगह, ये यहाँ पर सब्जेक्ट को एम्फसाइज कर रहा है, आई लव यू, ओनली आई लव यू, सिर्फ मैं, पूरी दुनिया में एक सिर्फ मैं ही हूँ जो तुमसे प्यार करती हूँ, कोई नहीं करेगा तुमसे प्यार, ये कहना चाहता है ये सेंटेंस। चिराग लेके भी ढूंढोगे ना कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं हूँ जो तुमसे प्यार कर लेती हूँ, एहसान, सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दूसरा ये नहीं, आई ओनली लव यू, मैं सिर्फ प्यार करती हूँ तुमसे, ना कोई शादी मुझे करनी है ना कुछ और, सिर्फ प्यार करती हूँ तुमसे, जब तक है तब तक सिर्फ प्यार करूंगी मैं तुमसे, सिर्फ प्यार करती हूँ, कोई शादी वादी इरादा नहीं मेरा, ज्यादा मत समझना, सिर्फ प्यार कर रही हूँ तुमसे, ठीक है। और तीसरा आई लव ओनली यू, मैं प्यार करती हूँ पर सिर्फ तुमसे, सिर्फ तुमसे, सिर्फ तुमसे। तो यहाँ पर जो हमारा ओनली है वो सब्जेक्ट के पहले आएगा, सब्जेक्ट को एम्फोसिस करेगा, वर्ब के पहले आएगा, वर्ब को एम्फोसिस करेगा, और यू के पहले आएगा यानी ऑब्जेक्ट के पहले आएगा, ऑब्जेक्ट को एम्फोसिस करेगा, यानी ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले आके एम्फोसिस करता है। हर पार्ट के पहले आकर उसको एम्फोसिस कर सकता है। एम्फसाइज कर सकता है पर टू नहीं कर सकता, टू सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले ही कर सकता है। अब देखो आई लव यू वाला कहाँ गया, ये वाला आई लव यू टू, ये पता है क्या है, प्यार में चाल, जो लोग आई लव यू टू कहते हैं वो क्या करते हैं, प्यार में चाल चलते हैं, क्या करते हैं प्यार में चाल चलते हैं। ओके उसने कहा आई लव यू, ओके आई लव यू, आई लव यू टू, उसने तो बोल दिया मैं भी तुम, मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, उसने तो बोल दिया सामने वाला निरा बेवकूफ, वो समझा ही नहीं, लड़का खुश हो रहा है इसने मुझे आई लव यू टू कह दिया, है ना, उसको ये पता ही नहीं आई लव यू टू में ये भी शामिल है कि वो बहुतों से और से यही बात कह चुके और तुमको भी कह दिया है ना कि मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ। अगर प्यार का इजहार करना है तो ये करो ना, ये है इजहार प्यार का, आई टू लव यू, ये इजहार है और ये है चाल, ये है चाल और ये है इजहार, ठीक है। हाँ तो ये भी रिप्लाई है और ये भी रिप्लाई, अगर आप चाल चल रहे हो तो आप ये वाला रिप्लाई करोगे, अगर आप वाकई प्यार कर रहे हो और प्यार का इजहार कर रहे हो तो आप ये वाला रिप्लाई करोगे, ठीक है। बताइए अभी तक में क्या क्लियर नहीं है, Any doubts? सेव कर रही हूं तब तक आप मुझे जल्दी से बताइए। इनकी क्वेश्चन ओनली का जैसे पोजीशन, सेंस कुछ कह रहा है, क्या कुछ रहा है, सेंस कुछ और आ रहा है, पोजीशन पे टू का भी पोजीशन, ही डाइड, ही ओनली डाइड, ही ओनली डाइड टू इयर्स अगो, ही ओनली डाइड, जैसे मान लो किसी की डेथ हो गई दो दिन पहले है ना, तो ही डाइड टू डेज अगो, अब इसमें ओनली लगाना, एग्जामिनर क्या करता है, ही ओनली डाइड टू डेज अगो, अरे मरा है सिर्फ कुछ नहीं हुआ है, तो ये लिखोगे क्या, वो सिर्फ मरा है दो दिन पहले, या फिर वो मरा है सिर्फ दो दिन पहले, है ना, he died only two days ago, अभी ही डेथ हुई है उसकी, he died only two days ago, तो डाइड के बाद आना चाहिए, एग्जामिनर पहले देता है, इस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस करेंगे इसके तो क्लियर होता जाएगा, नो डाउट। चलिए